ये इसलिए लड़ रहे हैं कि जनता को धोखा देंगे कि इतने हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनमें से चुन लो, इन मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इंडिया गठबंधन क्या प्रमुख घटक है, अगला कदम क्या होगा इंडिया गठबंधन? अगला कदम ये है कि जाति जनगणना पे जनता को जोड़ा जाए, जाति जनगणना जनता को समझाया जाए। और खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया, इधर कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था, नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस से स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जातीय जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? क्या लगता है विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में आपको आरोप लग रहा है कि वहां पर आप कांग्रेस के साथ नहीं थे, इसलिए दूसरी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस समय बाई इलेक्शन हुआ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं और जो हमारे सहयोगी दल हैं, मैंने उनसे सबसे चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था। लेकिन उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता हो कि बिना समर्थन के ही हम जीत जाएंगे, उन्होंने किसी समाजवादी को नहीं पूछा और उसका परिणाम क्या हुआ? अगर समर्थन मांगा होता तो समाजवादियों ने समर्थन दिया होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो दल है जो इंडिया को मजबूत करना चाहता है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकेगी तो दिल्ली में बीजेपी रोकेगी। आज सबसे ज्यादा घबराहट बीजेपी को किसी से है तो समाजवादियों से है। अभी हाल में देखा नहीं आपने, जब दिल्ली में G20 चल रहा था तो घोसी में कितनी बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब अपनी हार की वजह नहीं बता पा रहे हैं। और कितना संसाधन जुटाया था, कितने नेताओं को जुटाया था, क्या भाषा इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने समाजवादियों को चुना, पीडीए को चुना और उसका परिणाम यह है कि 50,000 हार हारी है भारतीय जनता पार्टी।